लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है और लोगों के लिए अपनी बात रखना जरूरी है। सभी को वोट देने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि सभी भारतीय अपनी पसंद के प्रतिनिधि को वोट कर सकते हैं। मतदान करके आप बदलाव ला सकते हैं। मतदान करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी भी कानून को निरस्त कर सकते हैं जब अधिकांश नागरिक उससे सहमत हो। मतदान करके आप अपनी सरकार के साथ अधिक नागरिक रूप में जुड़ने का एक तरीका है। अपनी आवाज़ सुनकर और उन लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करके दुनिया में बदलाव लाना महत्वपूर्ण है। जिनके पास कोई आवाज़ नहीं है, यदि आप बदलाव लाना चाहते हैं तो मतदान एक बेहतरीन तरीका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक भारतवासी के लिए अहम दिवस होता है। इस दिन प्रत्येक नागरिक को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाता है। मताधिकार यानी मत का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। यह अधिकार मतदान हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज है। मतदान बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है जो हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र के मूल तत्वों में से है। मतदान के माध्यम से एक नागरिक अपनी सरकार का चुनाव कर सकता है और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है। मतदान अति आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षित और जागरूक नागरिकता की आवश्यकता है। लेकिन अगर व्यक्ति साक्षर हो तो उसके अंदर हर निर्णय लेने का सोच समझ होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम भारत में रहते हैं। भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान ने हमें अपना खुद का प्रत्याशी चुनने का अधिकार दिया है। हर नागरिक को शिक्षा मिले और वह अवश्य रूप में मतदान करे, वही असली जनता कहलाती है। आज देश के नागरिक शिक्षक जरूरी चाहते हैं, किंतु वोट डालने के लिए महत्व को नहीं मानना चाहते। यह यूं कहे कि वह मतदान के लिए पूर्णता नहीं है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।